वडोदरा शहर में तेज रफ्तार पकड़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 59 नए पॉजिटिव केस बाहर आए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक 2397 पर पहुंचा है। वडोदरा शहर में तेज रफ्तार पकड़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण इन दिनों कॉरपोरेशन के कहे जाते आरोग्यलक्षी कामगिरी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, जहां दिन प्रतिदिन ये केसों में हर रोज बढ़ावा हो रहा है। जहां आज भी 59 नए पॉजिटिव केस बाहर आए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 2397 पर पहुंचा है। बीते 24 घंटों के दौरान 298 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, तो वही मृत्यु आंक 57 पर स्थिर रहा है। आज 57 जितने लोगों को कोरोना मुक्त करते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जहां कुल मिलाकर अभी तक 1761 जितने लोगों को कोरोना मुक्त करते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज नए बने पॉजिटिव विस्तारों में से याकूतपुरा, डभोई रोड, किशनवाड़ी, प्रतापनगर, मांजलपुर, कारेलीबाग, नागरवाड़ा, यमुना मिल, हरनी रोड, वाघोड़िया रोड, सुभानपुरा, वाड़ी, रावपुरा, खोड़ियानगर, डांडिया बाजार, गोरवा, वारसिया रोड, मांडवी, मानेजा, फतेहगंज, सियाबाग, संगम चारास्ता, वासना रोड, यानी कि अधिकतम वडोदरा का पूरा विस्तार कोरोना ग्रस्त हो चुका है। कोई भी कोना कोरोना मुक्त नहीं बनते हुए वडोदरा शहर के लिए अब ये कोरोना वायरस का संक्रमण एक गंभीर चेतावनी दे रहा है। तो ही वडोदरा के ग्राम्य विस्तार पादरा, दशरथ, फर्टिलाइजर नगर, डभोई से भी कोरोना पॉजिटिव केस बाहर आए हैं।